रोखड़ गेट है बेसिकली नाम जहाँ पे हम जाने वाले हैं, और वो बफर जोन में आता है। तो ये कोर गेट नहीं है, ये बफर जोन में आता है। ये दरअसल हम लोग को चाहिए था तौरिया गेट, बहुत लास्ट मिनट में हम लोग ने बुकिंग किया तो हमको तौरिया गेट मिला नहीं। लेकिन देखिए, सफारी तो सफारी होता है, लेट्स सी टाइगर हमें आज दिखता है कि नहीं। चलो जी, हम लोग अभी शेर देखने के लिए तैयार हो चुके हैं। शेर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, शेर विद टू क्यूट कब्स। ये कुछ ज्यादा ही हाई होप्स है। तो भाई यहाँ पे बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है। सामने से गाड़ियां आ रही हैं कंटिन्यूसली, और एकदम सिंगल लेन भी एकदम पतला सा है एकदम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गाड़ी एकदम साइड में लगा देना पड़ता है, और जो लोग भी सामने से आ रहे हैं एकदम, मतलब बिना सोचे समझे हाई स्पीड में आ रहे हैं, 80-80 की स्पीड में। अभी जस्ट हम लोग को हाईवे पे, हम लोग 80 के स्पीड में थे और रास्ते में 3 बंदर खा रहे थे। बहुत मुश्किल से उनकी जान बच गई। वो तो अच्छा हुआ अर्जेंट ब्रेक मार दिया। ये जो रुखड़ गेट है ना, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में आता है, तो थोड़ा अभी यहाँ पे हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे हैं, थोड़ा हाइट गेन कर रहे हैं। तो ये वाला जो गेट है ये थोड़ा ऐसे जगह पे है, तो ये रुखड़ गेट है। यहाँ पे अभी 3 बजे का जो सफारी है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे गाड़ी हमने लगा दिया है और ये हाईवे। तो भाई यहाँ से अब हमारा सफारी स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये है हमारी सवारी, भाई ये है हमारी गाड़ी, जियो लैंडर की टायर लगी हुई है। चलो जी, पेंच टाइगर रिजर्व, रुखड़ गेट, सियोनी। यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है लेकिन हम जा रहे हैं सीधा। बहुत ही सुंदर सा यहाँ गांव है और खेती वगैरह हो रहा है। उसको अंडे देते देते हमने मोर को डिस्टर्ब कर दिया भाई। चला गया प्राइवेसी, हमने ये डिस्टर्ब कर दिया। ये लिखो भाई, यहाँ पे 2 हिरन आ गए, 3 हिरन है, छोटा सा बच्चा है। हाँ, बच्चा भी है। हाँ, ये देख, मतलब ये वही हिरन है ना जिसके लिए राम जी गए पीछे गए। हाँ, कस्तूरी अलर्ट हो गया एकदम। सारे हिरण इधर ही देख रहे हैं, मतलब वो अगर अंदर घने जंगल में रहेंगे तो शेर का खतरा ज्यादा है ना। ये टाइगर रिजर्व है, डियर रिजर्व।
इसलिए ये जो डियर्स हैं ये रास्ते के पास रहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर जाएंगे तो टाइगर का खतरा होता है उनको। अच्छा हाँ, मॉर्निंग का तो ज़्यादा होता ही है। मॉर्निंग में क्या सर, समय भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हाँ वो भी है। अच्छा 5 घंटे का रहता है? 5 घंटे का रहता है सर, यूनली 3 घंटे का। अच्छा मतलब यार अभी इवनिंग के समय क्या ये लोग क्या झपकी लेते हैं क्या टाइगर? और जो मूवमेंट करेगा टाइगर वो शाम को 5 के बाद में करेगा। अच्छा आराम कर रहा है वो। अरे कहाँ पे? अच्छा पुराने पग मार्क से वहां पे। हाँ रेस पग मार्क। अच्छा पुराने, ओके से देखा हुआ है क्या? नहीं इधर आगे से एक रास्ता है तो उधर से इधर आए हैं सर। अच्छा अच्छा, तो इधर पगमार भी देखे। अच्छा पगमार्क नहीं है सर। हाँ तो इसका मतलब ये बीच में ही है। कौन बोल रहा है? ओके ओके उधर भी आगे में भी गाड़ी खड़ी है पूरी। अच्छा इनसे वो भी आने की कॉल कर सुन किलो। कितने शेर है यहाँ पे? यहाँ से 10 से 12 है मैं। अच्छा जी, मगर साइटिंग इतना है 5-6 का अच्छा होता है। क्या बहुत मार दिया क्या? नहीं वो बाकी तो मैम ऐसे गाड़ी की आवाज सुन के अंदर हो जाते हैं, और ये जो बाकी 5-6 है ना तो ये गाड़ी की आवाज भी रहे ना तो ये रोड ही चलेंगे और आपको अच्छे से साइटिंग। अरे और तो पैदल। अच्छा बेसिकली कुछ जो है वो शाही टाइप के हैं थोड़े, और कुछ सामने डरते नहीं। और बाकी जैसे गाड़ी की आवाज, यहाँ गाड़ी है वो आगे है वो रोड में, तो जैसे गाड़ी की आवाज सुनेंगे अंदर भाग जाते हैं। अच्छा देख ही नहीं पाते सर गाड़ी आ रही है ना। फीमेल है मैम। हाँ हाँ ये फीमेल है, और जो मेल है ना हाँ वो अकेले में रहता है, इससे डबल होता है। अच्छा ये बच्चे हैं सर ये। अच्छा ये बच्चा है? हाँ, ये बच्चे हैं। भाई अगर ये बच्चा है तो फिर बड़ा कितना बड़ा होगा यार। हाँ, वो अकेला सर, उसको देखोगे ना तो क्या बोल? उसको टाइगर भी अटैक नहीं कर सकता। टाइगर दो टाइगर भी अटैक नहीं कर सकता। गाड़ी की तरफ वो कैसे घूम रहा है? वहाँ पे भी एक गाड़ी है, वो भी रुक गया है वहाँ पे उनको देख के। नहीं इससे दूर ही रहना पड़ता है ना सर, सबसे बड़ी दिक्कत वही आप। अच्छा मतलब टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है। वो देख अगले वाले गाड़ी को देखे ही तो कैसे देख रहा है सर। हां चिल्ला रहा है, अपनी अटैक मोड में पूरा जाएगा। जब तक अपन मैम रास्ते से नहीं हटेंगे जब तक अपन जा नहीं सकते। अच्छा ऐसा है सर। वो तो पूरा मूड में है भाई उस उन पे अटैक करने वाला। नहीं वो ठीक है, वो सिर्फ देख रहा है, वो चेक कर रहा है कि तुम हमारे पास आओगे कि नहीं आओगे। नहीं आओगे फिर हम जा रहे हैं। अचानक नहीं रहेंगे ना, इधर ही दूर रहेंगे ना, तो वो धीरे से इंसान भी तो ऐसे होता है, हमें डर लगता है तो ही हम अटैक करते हैं, हमको किसी को थप्पड़ थोड़ा मार रहे हैं। तो याद हमारे अंदर भी जानवर वाला ही है, जानवर भी तभी अटैक करेगा जब वो डरेगा कि हम उस पे कूदने वाले हैं। चलो यार। अरे भाई वो भी बोल रही है। अरे भाई भाग गए, भाग गई वो। चलो भैया चलो। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। वो है सर मेरे।
ठीक है चलो भैया चलो। अरे वो देख रहा है भाई हमारे तरफ कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड को हम लोग परेशान कर रहे हैं, सब लोग इधर ही देख रहे हैं, देख रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सबकी नजर इधर ही है। ओ भाई साहब सब लोग इधर देख रहे हैं यार। सौरभ ने फोन किया था बोले मुंह में डाया बोले हलचल नहीं है अब शुरू हो गई कहीं हलचल, मेल फीमेल दोनों ही बोल रहे हैं, दोनों है ना अंदर। अरे वो रेप है उधर पे, फीमेल चली है टीगड्डा में, टीगड्डा में फीमेल चली है, सुबह मिला था नहीं क्या फीमेल टाइग्रेस होती है। यहाँ पे लोग खाना खाते हैं बैठते हैं, यहाँ कभी शेर नहीं आया, नहीं यहाँ भी आ जाता है, आ जाता है, गुफा है अंदर। कहाँ है गुफा किधर? अच्छा नीचे गुफा है। ग्रुप है कि नहीं, हम ग्रुप में आते हैं कि नहीं? नहीं मैं ग्रुप में इसलिए चला नहीं, अब हम ग्रुप में नहीं आते और यहाँ आ गया फिर क्या करेंगे, कौन कौन जाएगा उसके साथ? ठीक है फिर तो भाई गुफा वगैरह भी है क्या इधर? नीचे गुफा है, पहले क्या है अंग्रेज जो अंग्रेज शासन था ना सर, हाँ तो यहाँ पे जो गांव के आदिवासी हैं, हाँ वो यहाँ छुपते थे यहाँ। अच्छा गांव के आदिवासी यहाँ छुपते थे, पूरा पूरा ही गांव। तो अभी तो यहाँ कोई नहीं रह रहा होगा ना? मॉर्निंग में सब तीन टाइगर दिखे, दो फीमेल एक मेल और एक लेपर्ड। ठीक है अभी भी अभी वो लोग को खबर मिला है कि टाइगर एक जगह पे स्पॉट हुआ है, तो वो लोग थोड़ा डिटेल्स निकाल रहे हैं और हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं अभी। तो भाई अभी यहाँ पे बाजी राव करके एक टाइगर है वो देखा गया था अभी यहाँ पे, तो वो थोड़ा अभी सड़क के थोड़ा दूर जाके सो गया वहाँ पे, अभी देखते हैं हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग यहीं पे है, यहीं पे वो देखो जी, वो देखो वो देखो देखो देखो, जस्ट हमने देखा दूर से बाजी रहो। तो हम लोग बहुत जल्दी से उस जगह पे जा रहे हैं भाई, भाई साहब एकदम खतरनाक चला रहा है गाड़ी। ओ भाई साहब धीरे-धीरे। तो यहाँ पे तीन चार गाड़ियां हैं, एक है जिप्सी, दूसरी फोर्स की ट्रैक्स जो है वो चलती है, और एक टाटा की भी मैंने देखी है, वो कौन सी गाड़ी है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ज्यादातर जिप्सी मैंने देखा है और फोर्स की गाड़ी जो है वो बहुत चलती है, लेकिन फोर्स वाला जो है वो 4x2 गाड़ी है, यहाँ पे 4x4 नहीं है। तो ये बंदा हम लोग को बस वही बता रहा था कि कभी कभी वो फोर्स वाली फंस भी जाती है। मेरे ख्याल से 60-70 की स्पीड पे भगा रहे रोड पे। तो ये जो फेंसिंग आप लोग देख रहे हैं ये झटका फेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। ओ भाई साहब फाइनली टाइगर देख लिया हमने 3.5 घंटे के बाद। जीप कंपास का लाइट आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से आ रहा है।
तो भाई अगले दिन मॉर्निंग हम दूसरे रिजॉर्ट में चेक इन करने के लिए गए वेलकम हेरिटेज में। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। ये आजादी के पहले की गाड़ी। तो हमने वहाँ पे टेंट वाला जो रूम है वो बुक किया है। बहुत ही कंफर्टेबल टेंट है, लग्जरियस टेंट है, सारे एमिनिटीज हैं वहाँ पे। तो दो बाथरूम है, एक ओपन एयर है और एक क्लोज्ड है। तो देखिए, ओके, शॉवर एरिया दिया है वहाँ बनेगा। अभी यहाँ पे रात को 8 बज गए, जंगल के बीचों बीच है, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों ने लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगा के पार्टी कर रहे हैं। यार कम से कम जब तुम इतना दूर आ रहे हो शहर से, तब तो कम से कम ये लाउड म्यूजिक बंद करो यार। रिसॉर्ट वालों ने हमारे लिए एक सरप्राइज डिनर अरेंज किया था, कैंडल लाइट, क्योंकि पूरे होटल में और कोई नहीं था, सिर्फ एक दो फैमिलीज ही थे। गर्मा गर्म सूप। तो घर वापस जाने का समय आ गया है, अभी 9:30 बज रहे हैं। आज पूरा दिन थोड़ा लंबा होने वाला है। हम लोग जितना हो सके उतना खाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी समृद्धि महामार्ग में कुछ भी नहीं मिलने वाला है ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर तक। देखिए, टाइगर साइटिंग का कोई गारंटी नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे आपको नेचर के बीचों बीच रहने का एक बहुत ही अच्छा फील आएगा। और ड्राइव बहुत ही अच्छा है यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व में, और मुझे ऐसा लगता है सबको एक बार तो यहाँ आना चाहिए। इतना बड़ा, ये अलाउड है? और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉसिंग्स हैं, यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग्स है, ये हाईवे पे नीचे से जाते हैं एनिमल्स। और यहाँ पे एडास के लिए पेंटिंग चल रहा है यहाँ पे हाईवे पे। ओ भाई साहब, अभी हम लोग यहाँ पे समृद्धि महामार्ग में वापस आ चुके हैं। 770 किलोमीटर मुंबई, 530 किलोमीटर शिरडी। अब ये कंक्रीट का रास्ते पे हम आ चुके हैं। अब 500 किलोमीटर तक हमें कोई नहीं दिखने वाला, कोई गांव, कोई शहर नहीं दिखने वाला। अगर हमें कुछ दिखने वाला है तो कुछ गाड़ियां और ढेर सारा कंक्रीट। और ये एक और गाड़ी है जो मुंबई की है, जो यहाँ पे साथ में है। वापस हम आ चुके हैं अभी यहाँ पे। अब हमें खाना पीना कुछ नहीं मिलने वाला, डीजल भी 2-3 जगह पे ही मिलने वाला है। जो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया हुआ, हाईवे के पास आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, ना कोई गांव, शहर, कुछ नहीं।
दो ढाई घंटे बाद एक डीजल पंप यहाँ पे हमको दिखा है। अब यहाँ पे भरा लेते हैं भाई डीजल, क्योंकि यहाँ पे एक एक दो दो घंटे तक कुछ दिखता नहीं है इस हाईवे पे। तो यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस थोड़े कम है ना, तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि रास्ते में यवतमाल या अमरावती या औरंगाबाद इन जगहों पे आप थोड़ा डिटूर लेके खाना खा के वापस हाईवे आ सकते हैं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई गांव या शहर नहीं है, राइट। तो आपको वो शहर तक जाने के लिए और आधा एक घंटा लग जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ लंच करने के लिए आप जाएंगे फिर वापस आएंगे हाईवे पे, ये वायबल नहीं है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लिटरली आपको अपना खुद का खाना या स्नैक्स वगैरह आप साथ में लेके आना चाहिए इस हाईवे पे। तो अभी जो रेंज दिखा रहा है डीजल भराने के बाद 580 और किलोमीटर जो दिखा रहा है वो भी 589। अभी 6 घंटे का जर्नी बाकी है, ऑलमोस्ट 379 किलोमीटर्स हमें चलाना होगा। जाते हैं, अभी एक कुत्ता आया था उसको बचा लिया हमने, एक दो जानवर गिरे पड़े भी थे। तो इस हाईवे पे भी आपको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, हालांकि उतना नहीं आता। फुल करा दिया यहाँ पे, सेट का समय हो चुका है। लेफ्ट में पुणे का रास्ता आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए बोर्ड, और लेफ्ट लिया तो पुणे आ सकता है और सीधा जाएंगे तो नासिक। तो अभी हम लोग ने समृद्धि महामार्ग से बाहर निकल चुके हैं और घोटी वाले रास्ते से हम इगतपुरी जा रहे हैं। अभी यहाँ से समृद्धि महामार्ग का यहाँ पे काम चालू है रास्ते में, और ये जो डिटूर लेना पड़ता है ये अगेन बहुत खराब आया अभी जाते वक्त भी।